इसके अंदर देखो जंजीर लटका रखे हैं भाई, कितना अच्छा भाई, एक नंबर भाई। और भाई ये देखो हुमायूं का मकबरा ऐसा दिखता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके राडे तिरान। और एक और नए तगड़े से ब्लॉग के साथ आ चुके हैं। फाइनली आज काफ़ी दिनों के बाद हम घूमने जा रहे हैं। 4 से 5 वीक हो चुके हैं हम अपने घूमने कहीं नहीं गए, और आज हम जा रहे हैं बहुत अच्छी लोकेशन पे। फाइनली घर से निकल चुके हैं, टाइम हो रहा है बज के, अभी बज रहा है 12। हम घर से निकल चुके हैं, काफ़ी लेट हो चुके हैं। वैसे ऐसा लग रहा है, देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, कितना अच्छा सुहाना मौसम हो रहा है, एकदम बिल्कुल भी धूप भी नहीं है। अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहा है, फिर भी बिल्कुल भी धूप नहीं है, सारी छांव पड़ी है चारों तरफ। फाइनली हमने सभापुर क्रॉस कर दिया, फिर अपने पहले दोस्त के पास चल रहे, फिर उससे अपने दोस्त को पिक करेंगे, उससे काफ़ी 2-3 वीक बाद मिलेंगे, उनसे मिलते हैं, फिर चलेंगे उसके साथ जाएंगे, देखते हैं कहाँ जाना है हमें। ट्राइन करना आज भाई, मौसम भी आज इतना अच्छा हो रहा है, कुछ कहने को नहीं है भाई, बारिश आएगी तो मज़ा ही आ जाएगा। फाइनली हम अपने दोस्त से मिल चुके हैं और अब यहाँ से भी निकल रहे हैं। काफ़ी देर से, आधे घंटा हो गए कम से कम हमें बात करते हुए, अब यहाँ से भी निकल रहे हैं तेज़ी से। और हमने एक अच्छी सी लोकेशन भी सर्च की है भाई, हमें एग्जैक्ट लोकेशन तो पता नहीं, हमने मैप पे करा तो 30 किलोमीटर दूर दिखा रहा है, और फाइनली 30 किलोमीटर दूर दिखा रहा है और निकल चुके हैं हम दोनों भाई। यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश पड़ने लगी ना, फटाफट से स्पीड से अपने साइड में गाड़ी रोकते हैं फटाफट से अपने, क्योंकि भाई अपने माउंट कर रखा है, फ़ोन हमारा फ़ोन गीला हो जाएगा तो दिक्कत देगा, इसलिए अभी मिलते हैं बारिश के बाद। चलते भाई यहाँ से निकलते हैं फटाफट, इतनी बारिश रुक चुकी है, हम यहाँ से भी फटाफट निकलते हैं क्योंकि हम पहुँच चुके हैं अभी सिग्नेचर ब्रिज पर। यहाँ से आज का कुछ ज़्यादा सीन है ना भाई, उन्होंने भी फ़ोन माउंट कर रखा और मैंने भी फ़ोन माउंट करा, इसलिए दोनों एक साथ जाएंगे। वो देखो जा रहा सामने अक्की भाई और मैं जा रहा हूँ पीछे पीछे। भाई मेरी जाम से बाहर निकल चुका, अभी आते भी फुर्ती में निकलने को काफ़ी लेट हो चुका है, 1 बज चुका है और धूप में बिल्कुल मौसम इतना सुहाना हो रहा था, मस्त एकदम भाई। यहाँ पे हम इसलिए रुक गए, यहाँ पे हमारा की भाई पीछे रह गया, पता नहीं कहाँ पर रह गए, उन्हें फ़ोन करके पूछता हूँ कहाँ पर, इसलिए अभी मिलते थोड़ी देर। देख लो यार, चलो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं फटाफट। ओ भाई देखो कह, स्कॉर्पियो वाले को जाना उधर है, फिर भी सीधा हाइवे पे सीधा जा रहा था, उधर की साइड एकदम थोड़ा काटे, बाइक वाला एकदम से रुक गया, मैं भी रुक गया, दोनों एक साथ रुक गए। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर रह चुका है और फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, काफ़ी लेट हो चुके हैं, यहाँ पे बच चुका है 1:30। और यहाँ पे भाई देखो कैसे गोल चक्कर से गाड़ी घूमते रहा, अच्छा अगले मज़ा ही आ जाता है इस गाड़ी, गोल चक्कर पूरा, गोल चक्कर है पूरा, राउंड लेती है गाड़ी पूरा रखी लाल। भाई हम गलत रूट पर पहुँच चुके हैं यहाँ से, फाइनली हम पहुँच चुके अपनी लोकेशन पे, हुमायूं के मकबरे पे। भाई देखो यहाँ के पास में पार्किंग है, ये पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के पहले जा रहे हैं हम अंदर, फिर देखते अंदर देख के फिर बाहर वापसी आते हैं गाड़ी खड़ी करने। फाइनली पहुँच चुके अपनी लोकेशन पे, फाइनली हम पहुँच चुके अपनी लोकेशन पे, यहाँ से जा रहे हैं अंदर की, और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, काफ़ी लेट हो गए, हम यहाँ से जा रहे हैं अंदर, बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है फिलहाल तो, अभी तो हमें टिकट वगैरह लेना पड़ेगा, टिकट वगैरह अंदर मिले, बार कोड भी रखा यहाँ पे, स्कैन भी कर सकते हो अपना, पूरा स्कैन कर सकते हो पूरा। फाइनली हम एंट्री गेट से अंदर उठ चुका है, यहाँ पे टिकट है 40 रुपये और कैश दोगे तो 40 रुपये, ऑनलाइन पे करोगे तो 35 रुपये, और फोनर का है 600 रुपये, इसलिए भाई हमने तो कैश पेमेंट करिए क्योंकि फटाफट अंदर मुझे काफ़ी। अभी तो यहाँ पे बैठ के मज़े ले रहे हैं, फिर अंदर चलेंगे यहाँ से, वो सामने भाई काफ़ी देर से हम वहाँ पे बैठ के हम थोड़ा सा आराम कर रहे थे छाई में, ये पहले गेट में घुस चुके हैं हम यहाँ से भाई, से अंदर घुसते हैं। देखो यहाँ पे पोस्टर वगैरह लगा रखा है यहाँ पे, कितना अच्छा लग रहा है, ये सब पढ़ लेना आराम से, अब चल रहे हैं आगे की ओर। पीछे से जाने का रास्ता भाई यहाँ पे कुंडल भाई, देखो कैसे बारिश की वजह से पूरा ये अंदर ठंडा हो चुकी है जड़, ये जेल है यहाँ पे, पहले केडियो को रखा जाता था इधर, पीछे से हम आए हुए हैं यहाँ पे, पहले के अंदर चल रहे हैं यहाँ से, ऊपर चढ़ते हैं, मस्जिद है मेरे ख्याल से, देखो ये भाई हमने अपने यहाँ पे जूते उतार दिए अपने हाथ से ऊपर की, भाई बारिश का पानी पड़ पड़ के ना, देखो कैसे काई जम चुकी है पूरी, काई जमी पड़ी है हरी हरी, ये पूरी मस्जिद है यहाँ पे, हुमायूं के समय में यहाँ पे नमाज़ पढ़ाई जाती थी, देख लो पूरा अंदर दिखा देता हूँ अभी आपको, पूरा अंदर ये देखो, ये पूरी हुमायूं के समय यहाँ पे नमाज़ पढ़ाई जाती थी, कब्रें बना रखी है 3 कब्रें बनी गई यहाँ पे भाई, मेरे को तो पता नहीं किस चीज़ की, पूरा दिखा देता हूँ चारों तरफ का एरिया भाई, पूरा देख लो, हाथ की कटाई हो रही है ना, चक्कर में थोड़ी वही जो प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ पे देखो पूरे टैक्सी में लिखा हुआ है, पूरे यहाँ पे पढ़ लेना आराम से,
इसके अंदर देख सकते हैं अंदर कितना गहरा कुआं है। फिलहाल जा रहे हैं भाइयों के मकबरे पे, इसके अंदर तो हम पूरा घूम गया है। अब इसके अंदर तो पूरा घूम गया, साइडों में देखो कैसे पेड़ वगैरह लगा रखे हैं भाई। ये देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है हुमायूं के मकबरे पे। भाई अभी तो जा रहा हूँ हुमायूं के मकबरे भाई, यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है। इसके अंदर नक्शा बना रखा है पूरा हुमायूं के बादशाह के बारे में कुछ लिख रखा है यहाँ पे। ओ भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, एक एक करके सारी कवर करने की कोशिश करूँगा हम। और भाई ये देखो हुमायूं का मकबरा ऐसा दिखता है भाई। अभी चलते देखते क्या है इसके अंदर। और ओ भाई ये पूरा इंडेक्स मिलेगा बंदो पढ़ ले भाई, किसी ने दिखाया होगा आपको, मैं सब दिखा रहा हूँ देखो भाई पूरा लिखा हुआ है। देखो हुमायूं का मकबरा ऐसा दिखता है भाई, ये नया हुआ ना वो भाई 1902-1903 में वन के कवर हुआ था हुमायूं के मकबरे में। यहाँ पे सब लिखा रखा है, यहाँ पर देख सकते हो भाई पूरे मिट्टी का बना रखे, पूरा मिट्टी के बने पड़े हैं। कलर कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे भाई, देखिए यहाँ पे जो कैसे वाइट मार्बल के ऊपर बनाए थे, कैसे बना रखा था साइंस ने उस जगह कलाकारी करी है। वो भाई देख सकते हो भाई कैसे कारीगरों ने काम करा था, वो सब दिखा रखा है यहाँ पे। और देखो यहाँ बुक वगैरह रखी है, यहाँ पे जानकारी वगैरह रखी हुई है, यहाँ पे जो नॉन सी बुक में इसका इतिहास लिखा हुआ है ना उस बुक को यहाँ पे रख रखा है, और यहाँ पे आराम से देख लेना हमारी को मतलब भाई। ये देखो गाइस कितना अच्छा वो एक नंबर भाई, ऑसम। और पहले आया था ना जब ये फुहारा बहुत ही अच्छा चल रहा था, ये पानी के साथ यहाँ पे अभी तो काला हुआ पड़ा पूरा गंदा हो रखा है। पहले तो ये ख्याल से काम वगैरह चल रहे हैं चक्कर में यहाँ पे, हम काफ़ी देर से यहाँ पे नीचे फोटो शूट कर रहे थे। अब फाइनली इसके ऊपर चलते हैं, वहाँ पे जो पब्लिक खड़ी जो ऊपर उस साइड चल रहे हैं ऊपर की साइड। फाइनली हम ऊपर पहुँच चुके हैं यहाँ पर, यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं और ये कितना अच्छा लग रहा है। ये सामने यहाँ पर कब्र वगैरह बना रखी है यहाँ पर, यहाँ का नज़ारा देखो भाई कितना अच्छा लग रहा है। चार तक नज़ारा भाई बहुत ही बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, चार एरिया में फैला हुआ, बहुत ही बड़ा है देखो पूरे एरिया का नज़ारा भाई। इसके पूरे चार तरफ घुसते फिर देखते अंदर चल के भी भाई, देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ का नज़ारा, एकदम मस्त एकदम नज़ारा लग रहा है। वो सामने मेरे ख्याल से गुरुद्वारे का बना रखा है, वो सामने वाइट वाले गुरुद्वारा भाई देखो वहाँ पर जाकर एंड है उसको, उस जगह पर लैंड है वहाँ पर भाई। यहाँ पे बहुत ही बड़ा पार्क है, बहुत ही अच्छा है भाई। इसके अंदर चल के देखते हैं, अंदर चलते इसके देखते क्या है इसके अंदर चल रहे गेट, इसके अंदर देखते हैं काफ़ी बड़ा भाई, भाई काफ़ी बड़ा है। अंदर की साइड तो कई जगह है, कई सारी जगह है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा है ये भाई। यहाँ पे भी कब्रें बनी थी, कई सारी यूनिट वगैरह बनी पड़ी है यहाँ पे, तो ये वापसी चलते हैं, काफ़ी बड़ा है भाई। इस सामने वाले के अंदर चलते हैं, सामने के अंदर देखते क्या है इसके अंदर भी चलते भाई। पूरा बहुत बड़ा है ये, काफ़ी बड़ा, बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे घूमते घूमते हम थक चुके काफ़ी देर से, डेढ़ डेढ़ घंटा हो गया, काफ़ी देर से हम घूमते घूमते यहाँ पे काफ़ी देर से। बहुत ही बड़ा यहाँ से भी रास्ते कहाँ जा रहा है इसे भी देखते, मेरे ख्याल से वही रास्ता जिससे अभी हम गए थे अंदर, हाँ वही वाला रास्ता है। तो अभी हम जहाँ से गए थे अंदर अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और इसकी लोकेशन है यहाँ पर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास आ जाना, यहाँ से मिल जाएगा आपको। घूम चुके हैं हम यहाँ पे काफ़ी घूमते हैं भाई, यहाँ से जा रहे हैं वापसी घर की और वापसी चल रहे हैं यहाँ से। चलो भाई आ जाओ चल रहे हैं, चलना पड़ेगा दीप देख कर ना, तो गिर गिरा देना भाई किसी का, तो चोट इतनी तगड़ी लगी ना भाई, बहुत ज़्यादा तगड़ी चोट लगी यहाँ पर, काफ़ी खड़ा गिर। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से, बहुत देर के काफ़ी देर से कुछ बाहर चल लिया। हाँ और वो भाई फाइनली बहुत घूम चुके हैं, हमारा लार्ज है फाइनली, लार्ज गेट है। अब इसके बस यहाँ पे एक रह गया, बस ये वाला फोर्ट रह गया बस घूमने के लिए। इस फोर्ट में भी घूमते अंदर चलते, फोटो वगैरह लगी हुई है देखो भाई, ये ब्लू वाला है, ये पूरा कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ईसा खान का ग्रेव टू।
देखो सब पढ़ लेना आराम से। चल दे सखान का मकबरे के अंदर जा रहे हैं भाई। यहाँ पे देखो कितनी अच्छी लोकेशन, ये लोकेशन है मस्त भाई। यहाँ से देख सकते कितना अच्छा लग रहा है। फाइनली इसके अंदर चलते हैं, अब देखते हैं अंदर चल के भी कितने काफ़ी अच्छा लगे। यहाँ से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई। देखो वो देखो बंदा ऊपर चढ़ा हुआ है, मतलब ऐसे हम बंदे नॉर्मल बंदे नहीं चढ़ सकते वो भाई। यहाँ पे इसकी मरम्मत हो रही है ना, चक्कर में से वहाँ पे वो कारीगर चढ़ा हुआ है पूरी मरम्मत करने के लिए। इसके चारों तरफ घूमते हैं पहले एक बार। वैसे कुछ है नहीं यहाँ पर, पूरा जंगल है भाई, काफ़ी बड़ा है, बहुत ही मज़ा है। इसके अंदर चलते एक बार देखते हैं। इसके अंदर जंजीर लटका रखे हैं, काफी बड़ा बहुत ही है। यहाँ पे भी कवर है भाई, ऐसे जंजीरें लटका रखे ना यहाँ पे। अभी मेरा भाई एक सीन हो गया, इस जंजीरों में ना मेरा हाथ अटक गया था पूरा। काफी बड़ा, बहुत ही बड़ा है ये, घना जंगल है भाई। फिलहाल यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं भाई। यहाँ से बाहर जा रहे हैं, हमने अपना हेलमेट वगैरह सब उठा लिया। यहाँ से हमने एक हेलमेट को हम रुका दिया, तब यहाँ से निकल गए सीधा बाहर की ओर। अब फाइनली हम बाहर आ चुके हैं, अब अपनी बाइक पे बैठे सीधा मिलते अपनी बाइक के पास चल रहे यार। हमारी बाइक खड़ी हुई, हम तो यहीं पे खड़ी करके चले गए थे आराम से। अब सीधा यहाँ से बाइक उठाएंगे, सीधा निकलेंगे यहाँ से फटाफट भाई। बारिश इतनी तेज़ पड़ने लगी ना, हम वहाँ से निकल, जैसे हमने बाइक उठाई इतनी तेज़ बारिश पड़ने लगी ना, हम पूरे भीग चुके भाई, हम दोनों पूरे भीग चुके अक्की भाई और मैं भी। और अब सीधा जा रहे हैं घर की। और ब्लॉग में कुछ पे चल लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, अपने भाइयों को फुल सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तगड़े से ब्लॉग के साथ। अभी लेके गुड बाय।